नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार का 24 घंटे बिजली देने का अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिरोजाबाद में नई आबादी क्षेत्रों में बढ़ती बिजली की समस्या को लेकर खकरौ कोठी के नाम से एक नया बिजली घर बनाया गया, जिसका उद्घाटन विधायक मनीष असीजा और विधायक मुकेश वर्मा द्वारा हवन पूजा करके किया गया। वही इस कार्यक्रम में आए कलाकारों ने डांस की प्रस्तुति भी दी। फिरोजाबाद में बीजेपी सरकार का अभियान कि 24 घंटे सबको बिजली मिले, इसलिए सरकार हर प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के चलते फिरोजाबाद में कई ऐसे मोहल्ले थे जहां बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से सही नहीं थी। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब बीजेपी विधायक मनीष असीजा के अथक प्रयासों से खकरौ कोठी के नाम से नया बिजली घर बनाया गया है, जिससे कई मोहल्लों में बिजली मिल सके। कार का 24 घंटा बिजली देने का अभियान जोरों शोरों पर है। आज फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा जी और सुकावाद विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी ने खकरौ कोठी स्थित बिजली घर का उद्घाटन किया। आइए बात करते हैं मनीष असीजा जी से, किस तरह की यहाँ लोगों को अंधेरे से मुक्ति मिलेगी और बिजली घर घर पहुँच सकेगी। विधायक जी, ये बिजली घर चालू कराया गया है, क्या लगता है कैसे लोगों को घर घर बिजली पहुँचेगी? ये जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि 5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर की क्षमता है, 570 एम्पियर लोड है, 15-14 मोहल्ले हैं, करीब 50,000 की आबादी है। इस क्षेत्र में ओवरलोडिंग की वजह से या आसपास के सब स्टेशनों की वजह से के द्वारा यहाँ पर बिजली आती थी, जो कि प्रॉपर यहाँ बिजली नहीं मिल पाती थी, और अब इस बिजली घर से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। करीब कितने मोहल्ले यहाँ आते होंगे, कितने लोगों को ये सुविधा उपलब्ध होगी? लगभग 50,000 की आबादी में 14-15 मोहल्ले हैं, पीपल नगर, गंगा नगर, जमुना नगर, झलकारीबाई नगर, भारत नगर, सुदामापुरी, कृष्णा नगर, न्यू रामगढ़, रैना, खकरौ, भारत नगर, ये सब ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें बिजली की। देखा गया है कि बिजली चोरी कटिया भी डाली जाती हैं, बिजली चोरी भी की जाती है, ये कहाँ तक रोक पाएंगे? 100% रोकेगी यहाँ पर। हाँ, गलती आपको नजर आती है? विभाग और दलालों की मिली भगत से ये सब होता था, लेकिन अब ये दूर होगा। विधायक जी का कहना है कि यहाँ खकरौ कोठी पर बिजली घर बनने से लोगों को घर घर बिजली पहुँचेगी और चोरी जो बिजली की होती है उस पर भी रोक लगेगी। कृष्णा पोरवाल, यूपी 24 न्यूज। वहीं इस कार्यक्रम में विधायकों के साथ कई बीजेपी के नेता और बिजली विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में डांस कलाकारों द्वारा देशभक्ति के गानों पर डांस कर प्रस्तुति दी। फिरोजाबाद से संवाददाता कृष्णा पोरवाल की रिपोर्ट।